नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में फिर एक बाइक चोरी की घटना सामने आई है, जहां घर के बाहर खड़ी बाइक कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गया। घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश कर रही है। मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट युवक संतोष प्रजापति ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि वो अपने ऑफिस से आया था, अपने जीजा के घर पर अपनी बाइक खड़ी कर दी थी। सुबह फरियादी के जीजा जब सब्जी लेने के लिए जाने लगे तो उन्हें बाइक रखे हुए स्थान पर नहीं मिली, जिसके बाद सीसीटीवी चेक किए गए तो उसमें एक अज्ञात युवक बाइक ले जाता हुआ दिख रहा है, जिसके बाद फरियादी ने थाने पहुंचकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरी बाइक चोरी हुई है, मतलब 17-28 के सुबह 3:30 से 4 के बीच में। क्या नाम है आपका? संतोष प्रजापति नाम है। क्या काम करते हैं? मैं पेशे से अकाउंटेंट हूँ। कहाँ से कहाँ आए थे जब बाइक? मैं ऑफिस में शाम, मतलब सुबह 10:30 बजे गया था, शाम को 8 बजे ऑफिस से आया था। प्लस जीजा जी सब्जी का काम करते थे, उनको सब्जी देके वापस मैंने 9 के समथिंग गाड़ी रख दी थी वहाँ पे, और 11:30 बजे मैंने गाड़ी देखी थी, तो उस टाइम थी गाड़ी। फिर सुबह 5 बजे जीजा जी सब्जी के लिए निकले, मंडी जाने के लिए बाइक ले जाने लगे, तो वहाँ पे बाइक नहीं थी। ढूंढने पर हमको पता चला, फिर सीसीटीवी फुटेज निकाले तो उसमें पता चला कि चोरी हो गई है। सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, वो थाने में। आपका नाम? संतोष प्रजापति। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। आई प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।